अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट की बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बेहद पसंद आएगी दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले स्टॉन करके एक पैन को रख देंगे। इसमें 1/4 कप ऑयल डाल के अब सूखे मसालों को डालते हैं। ये देखिए, 2 अनानास के फूल, 5 इलायची थोड़ा सा क्रश करके, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 5 इंच की दालचीनी। इसको डालने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये 10 लौंग और जो बिरयानी का पत्ता रहता है ना, उसे एक बार इस तरीके से तोड़ के डाल दीजिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। सो इन सबको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें थोड़े से काजू डाल देते हैं। थोड़ा सा फ्राई करके इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा करी पत्ता और बारीक कटा हुआ हरा धनिया को डाल देना है। और इसके बाद 8 से 10 तक हरी मिर्च को डालना है दोस्तों। 1-2 अगले ही डाल दीजिए स्पाइसीनेस के लिए। सो इन सबको थोड़ी देर फ्राई करके ये देखिए दोस्तों, ये गिलास से मैंने 2 गिलास बासमती चावल को भिगो के रखा है। अब उसी गिलास से 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। इस बात को आप ज़रूर याद रखिए और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। पानी को उबल आने तक पकाना है दोस्तों। पानी उबल आने तक मैं इसको बाजू वाले स्टोव पे शिफ्ट कर रही हूँ और इस पे दूजा वाला पैन रख के इसमें 1/2 कप ऑयल को डाल रही हूँ। सो ये हम चिकन रोस्ट रेडी कर रहे हैं दोस्तों। इसमें 2 मीडियम से इसके ऑनियन को इस तरीके से स्लाइस जैसे कट करके डाल देना है। ये स्लाइस पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, तब तक हम पानी में उबल आया है या नहीं चेक करते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए पानी में अच्छा सा उबल आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है दोस्तों। 1 घंटा पहले भिगोया हुआ बासमती को मैं अब डाल रही हूँ। पानी पूरा फिल्टर कर दे के बिल्कुल आपको सिर्फ बासमती चावल को ही इसमें डालना है। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। ये पकने में थोड़ा सा समय तो लगता है, तब तक देखिए ऑनियन फ्राई हुए हैं या नहीं। देखिए लाइट सा ब्राउनिश इसमें आ रहा है, तो परफेक्ट। हमें इसी स्टेज पे क्या करना है, थोड़े से इसमें भी वापस करी पत्तों को डाल के 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा कच्चे बस जाने तक फ्राई करना है दोस्तों। और इसमें बारीक कटे हुए हरे मिर्च को डाल के 1-2 सारे हरे मिर्च को भी डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना डाल के इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं और दोबारा एक बार चलाते हैं, मिक्स करते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 kg चिकन। इन चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन ढक के इसको अच्छे से इस ऑयल में पकाना है दोस्तों, अच्छे से फ्राई करना है। तो अब हम चलिए चावल चेक करते हैं। ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं दोस्तों, और भी थोड़ी नमी है। तो अब क्या करते हैं, एक बार हल्का सा मिक्स करते हैं। बासमती है, बहुत ही ध्यान रखिए, बहुत ही संभाल के मिक्स करके लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए, जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चिकन को चेक करते हैं। वाओ, देखिए चिकन में का जो पानी है वो बाहर निकल आ चुका है, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सूखे मसालों को डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें पानी कुछ भी नहीं डालेंगे दोस्तों, इसको चिकन रोस्ट बनाना है हमें, इसी तरीके से बनाना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। सो इन तीनों को डाल देने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। अब इसको इसी तरीके से ऑयल में अच्छे से रोस्ट करना है इस चिकन को। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो हमने ऑयल डाला है उसी में इसको रोस्ट करना है मसालों के साथ। 7 मिनट तक इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए राइस को चेक करते हैं। 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पे छोड़ने के बाद ये राइस बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है दोस्तों। बिरयानी राइस इज रेडी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ढक्कन ढक के स्टोव बंद कर देते हैं।
7 मिनट के बाद देखिए चिकन को चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, चिकन भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आप चाहे तो खा कर भी चेक कर सकते हो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। तो परफेक्ट चिकन रोस्ट इज़ रेडी। तो अब हम ढक्कन ढक के स्टोव बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बिरयानी को किस तरीके से सर्व करते हैं। सबसे पहले बिरयानी राइस को डाल देना है और उसके ऊपर से चिकन के रोस्ट को डाल देके इस वीडियो में जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, आपकी तो वाह वाह ही होगी दोस्तों। हर त्यौहार पर हर खुशी के समय आप इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर याद करोगे दोस्तों। आपको अगर मेरी ये रेसिपी आई है पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।